हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नवजात के बारे में, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन आप पूछते हैं कि मैम मेरा बेबी अभी न्यूली बॉर्न है, नवजात है, क्या मैं उसे बॉटल से फीड कराऊँ क्या नहीं कराऊँ। तो आज हम अपने नवजात के बारे में ही बात करेंगे, क्या हमें अपने छोटे से बच्चे को बॉटल से फीड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, सही टाइम क्या होता है बच्चे को बॉटल से इंट्रोड्यूस कराने का। तो इस सारे विषय पर आज बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बात हम कर रहे हैं, क्या हमें अपने छोटे से बच्चे को बोतल से दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। तो मैं आपको अपना पर्सनली ये बताऊंगी, जो कि जो मेरा पर्सनली भी है और जो डॉक्टर मोस्टली सजेस्ट करते हैं, कि अगर आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वर्किंग हो, ठीक है, आपकी प्रॉपर फीडिंग आ रही है, ब्रेस्ट फीड आ रहा है, तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है, जितनी टाइम आप करा सकते हो, अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराएं। इवन 6 मंथ तक मैं आपको यही बोलूँगी, ठीक है, 6 मंथ तक आप कंप्लीटली अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा ब्रेस्ट फीड मेरी बेबी की टमी को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो उसके वजह से आप अपने बच्चे को दूध नहीं ठीक से पिला पाते हो, या बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, कभी कभी माँ का दूध बच्चे के लिए सफिशियंट नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक अलग ही एक सिचुएशन बन जाती है, उसमें आप अपने बच्चे को बोतल से दूध दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसको बॉटल से दूध पिलाने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बच्चों को परेशानी हो जाती हैं अगर छोटा बच्चा है और आप उसको बॉटल से दूध पिला रही हो तो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्दी वेल्दी हो, प्रॉपर फीडिंग आ रही है, तो आप अपनी ही फीड बच्चे को दें प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटली फिजिकली उसकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, सारी चीज़ माँ के दूध से ही बच्चे के जो बोन्स मजबूत बनते हैं, पूरा जो विकास है बच्चे का, डेवलपमेंट है, वो माँ के दूध से ही अच्छे तरीके से हो पाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चे को आप स्टार्टिंग में, सपोज़ मान लीजिए आपका बच्चा बिल्कुल नवजात है, छोटा है, और आप अपनी फीडिंग भी करा रही हैं, लेकिन आपने साथ ही साथ बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करा दिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। एक जो सबसे मेन बात होती है वो कि आपका और आपकी बेबी में जो रिलेशन बनता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बोतल आप बच्चे को बिल्कुल भी ना दें, ठीक, क्योंकि उस टाइम बच्चे का और माँ का अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उनका जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए दोनों माँ और बच्चे के बीच में। अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग से बोतल दे दोगे तो जो प्यार आपकी तरफ से आपके बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और जो बॉन्डिंग आपके और आपकी बेबी में रिलेशन हो पाए अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कमी उस चीज़ की रह जाएगी, ठीक है। दूसरा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूली बॉर्न बेबी होता है, नवजात होता है, कि वो कितना वीक होता है, हर तरीके से वीक होता है, ठीक है। आप ने सभी ने बोटल्स भी देखी होंगी, आप कितनी भी अच्छी बोटल ले लीजिए, सिलिकॉन की, अब आपको अच्छे से निप्पल मिल जाएंगी बोटल की, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी ब्रांड की, इस टाइम आपको मार्केट में इजीली बोटल्स मिल जाएंगी, उनकी निप्पल्स भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन बच्चा उसको सक करेगा तो कहीं ना कहीं बेबी के माइंड पर असर पड़ता है, ठीक है, दिमाग पर असर पड़ता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड बच्चे आराम से स्मूथली, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, आराम से वो फीड कर पाता है माँ का और आराम से उसका पेट भर जाता है, लेकिन बॉटल से आप कराओगे तो उसे प्रेशर लगाना पड़ता है और कहीं ना कहीं बच्चे के यहाँ पर ब्रेन पर उसका असर पड़ता है, उसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और वो जो सेटिस्फेक्शन उसे मदर फीड से मिलता है वो बॉटल से नहीं मिल पाता है। इसके आगे हम बात करते हैं कि
आप स्टार्टिंग में जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी फिजिकली इतने वीक रहते हैं, मेंटली इतने वीक रहते हैं कि हम बार बार बोतल को साफ़ करना साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार बोतल से फीड कराने के बाद बोतल को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है, गर्म पानी से उसे साफ़ किया जाता है और तैयार किया जाता है बच्चे के लिए, उसमें दूध तैयार किया जाता है। तो हम इतने फिट नहीं होते, हम ही इतने वीक रहते हैं कि हम बार बार वो चीज़ नहीं कर सकते। तो एक ये भी अच्छा तरीका होता है कि आप जितना हो सकता है हेल्दी खाइए, ऐसे फूड खाइए जिससे आपकी ब्रेस्ट फीड काफ़ी अच्छे से बने, आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड आपकी सप्लाई ब्रेस्ट फीड सप्लाई अच्छे से बढ़े। तो आप अच्छे से फूड खाइए ताकि आपके ही दूध से आपके बच्चे का पेट भर जाए, ठीक है। तो एक ये भी, इस चीज़ से भी हम बच जाते हैं कि बार बार बोतल को साफ़ करने से भी हम बच जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें भी अच्छे से आराम करने की और फिजिकली फिट होने की ज़रूरत होती है। दूसरा कि बच्चा जब बोतल से दूध पीता है तो कहीं ना कहीं उसे सक करते समय वो हवा को भी अंदर निगल लेता है, जिससे कि उसके पेट में गैस बन जाती है और गैस बनने के कारण बच्चा कभी कभी दूध पीते ही उसको तुरंत निकाल देता है, क्योंकि जो पेट में उसने गैस को निगल लिया है बोतल के थ्रू, वो गैस अंदर से जो दूध बच्चे ने पिया है उसको बाहर निकाल देती है और बच्चा इमिडिएटली दूध बाहर निकाल देता है, जिससे कि बच्चा हेल्दी नहीं हो पाता है, वो ठीक से बोतल सक नहीं कर पाता है और गैस गैस की प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है। तो बच्चा भूखा भी रह जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और जो कुछ भी उसने पिया वो भी वो बाहर निकाल देता है। तो एक ये भी बच्चे के लिए सेफ नहीं है, इस रीजन से भी बच्चे के लिए बॉटल बिल्कुल सेफ नहीं है कि बच्चे को बॉटल से दूध पिलाएं, ठीक है। दूसरी बात कि जितना आप अपनी फीड बच्चे को कराओगे बोतल को छोड़कर, तो उतनी ही बच्चे की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि बोतल में अगर आप दूध पिला रहे हो तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला मिल्क लेंगे, काउ मिल्क लेंगे या बफेलो मिल्क लेंगे, लेकिन अगर आप खुद अपना दूध पिला रहे हैं तो उससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बच्चे की बोन्स, बच्चे का माइंड, बच्चे के एवरी जो बॉडी पार्ट होते हैं वो अच्छे से मजबूत बनते, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि छोटे बच्चे को बोतल ना दें, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है बच्चे को बोतल से दूध ना पिलाने का। इसके आगे हम बात करते हैं कि बच्चे को बोतल से दूध पिलाने से कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। कि कभी कभी आपने जल्दबाजी में ठीक से बोतल को क्लीन नहीं कर पाए हैं, आपने ठीक से उसको बॉयल नहीं किया है बोतल को पानी में, तो उस सिचुएशन में हमने उसी में बोतल में दूध बच्चे को पिला दिया बच्चे को, तो उसके इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसे लूज मोशन हो सकता है, डायरिया भी हो सकती हैं। और किसी किसी बच्चे की माउथ की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि बोतल को सक करने से उसके मुंह में लाल लाल जो स्किन होती है बच्चे की वो लाल पड़ जाती है अंदर से और वो उसको सक नहीं कर पाते हैं। इवन पेट में भी इन्फेक्शन हो जाता है कि गंदी बोतल से दूध पीने की वजह से। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से बच्चे को बोतल से दूध स्टार्टिंग में, बिल्कुल नवजात बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, बड़े बच्चों की नहीं कर रही, बिल्कुल नवजात की बात कर रही हूँ जो एक या दो महीने के, उनको नहीं दें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, उसे क्लीन करना, बार बार क्लीन करना, बार बार बॉयल करना। सपोज आप वर्किंग हो, आप पर टाइम नहीं है, तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में अगर आप अपनी ही फीडिंग करा रहे हो तो टाइम भी बचेगा, बच्चा भी हेल्दी वेल्दी बना रहेगा। तो ये सारे रीज़न थे कि जिसकी वजह से डॉक्टर भी मना करते हैं कि स्टार्टिंग में 6 मंथ तक आप अपने बेबी को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही फीडिंग कराएं, जिससे कि बच्चा आपका स्वस्थ बना रहे। तो आई होप मैं आपको ये बात समझाने में सक्षम रही हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करें 6 मंथ तक बिल्कुल बोतल अवॉइड कर दें। अगर ऐसा कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है कि आप बीमार हो तो आप ना फीड कराएं, ठीक है। और या फिर आपका ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है तो फिर वो एक अलग ही रीज़न बन जाता है कि आपकी ब्रेस्ट फीड ठीक से डेवलप नहीं हो रही है, जो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में तो फिर देना ही पड़ता है। लेकिन कोशिश करें 6 महीने तक बच्चे को अच्छे से अपने दूध से ही उसका पालन पोषण करें, अच्छे से अपनी ही फीड कराएं, जितनी बार भी करें अपनी ही फीड कराएं। और अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए आप जितना हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट के, 1-2 बार की जगह 3 बार दूध खाएं, चीज़ खाएं, बटर खाएं, अच्छे से दलिया खाएं, जिससे कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से बढ़े। मूँग की दाल खाएं छिलके वाली, ये भी आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने में मदद करेगी। मैंने
दूध बनाने के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना रखी, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके देख सकती हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। तो आई होप माई डियर पेरेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कॉमेंट प्लीज़ करते रहिए। मैं आपके डेफिनेटली कुछ लेट हो जाऊँगी लेकिन ज़रूर मैं आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई करूँगी, आप प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करिए। किसी किसी का मैसेज आता है कि मैम आप रिप्लाई नहीं करती हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब जो है वो खुद ही किसी किसी पेरेंट्स के मैसेज को हाइड कर देता है जो कि हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप करते रहिए, हम ज़रूर आपके मैसेज के रिप्लाई उसी टाइम कर देंगे, या फिर संडे कमेंट आप देख ही रहे हो कि मैं हर संडे जो मुझे लगता है कि जिनके रिप्लाई मैं कमेंट्स के द्वारा ना करके मैं डायरेक्ट आपको इसी तरीके से बताऊं, वीडियो के थ्रू बताऊं, तो मैं संडे कमेंट्स में आपके आंसर्स ज़रूर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।